अनाउंसमेंट सुनो, तो फिर मेरे नेक्स्ट इस मंथ में एग्जाम्स होने वाले हैं, वो कंटिन्यू होंगे अप्रैल 9 तक। तो फिर मैं क्या करने वाला हूँ, वीडियोस में मैं स्टॉप नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई पे भी फोकस करना चाहता हूँ। सो द सिंपलेस्ट सॉल्यूशन, मैं वीडियोस आज नेक्स्ट वन मंथ यानी 4 वीडियोस आज के आज ही मैं निकाल दूंगा एंड शेड्यूल कर दूंगा। सो आई एम सॉरी अगर एडिटिंग एकदम स्मूथ या परफेक्ट नहीं है, क्योंकि मुझे आज एक दिन में 4 वीडियोस बनाना इज वेरी हार्ड। सो दिस इज द फर्स्ट वीडियो। Hey, what's up guys? सबको स्वागत है मेरे चैनल एक्सप्लोर दिवन में। तो फिर आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं बोट ईयरफोन्स। अनबॉक्स किया मैं पहले से ही खोल चुका हूँ। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं बोट ईयरफोन्स, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन एक और बात याद रखना, बोट ईयरफोन्स यानी नाव नहीं, बोट एक कंपनी है उसके ईयरफोन्स, वरना एक नाव नाव के ईयरफोन्स बनते। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये है हमारा ईयरफोन्स, ये रहे, एंड उसके बाद इसके अंदर वेल और कुछ नहीं है। सो इसे खोलते हैं। सो एक्चुअली ये मैं अमेजोन से लेने वाला था, लेकिन फिर उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे ये मुझे थोड़ा ज्यादा चीप मिला था। सो ऑन फर्स्ट लुक ओके, उन्होंने हमें एक पाउच भी दिया है रखने के लिए, उसके साथ हमें एक कूपन कोड भी मिला है फ्लैट 10% ऑफ का, हम इसे रखते हैं बाजू में। एंड आते हैं हमारे मेन ईयरफोन्स पे, उन्होंने हमें वैसे बड्स भी दिए हैं अगर आपके ईयर्स का साइज डिफरेंट है तो। वेल, कहना चाहूंगा इनका लुक तो ऑसम है, ये देखिए, कम ऑन, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये हैं हमारे ईयरफोन्स। मैंने व्हाइट कलर लिया है, मुझे लगा था कि पूरा का पूरा व्हाइट आएगा, लेकिन ये आई थिंक सो ग्रे एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन है। वेल, इनकी क्वालिटी तो मस्त लग रही है, ये नेटेड है, हैंडमेड जैसा लग रहा है, एंड ये नॉर्मल प्लास्टिक है। और उसके साथ इन्होंने ये बांधने के लिए भी दिया है। वाओ, ये देख रहे, ये पूरा का पूरा ना वेलक्रो पूरा का पूरा, यानी मैं पूरा का पूरा भी रोटेट कर सकता हूँ। ओके, सो उसके साथ हमें मिला है ये एक स्मॉल बुकलेट जैसा। ओके, स्मॉल तो नहीं है, ओके ये बहुत बड़ा है। ओके, एंड उनके ही प्रोडक्ट्स को दिखाया गया है इस बुकलेट में, इसको भी रखते हैं बाजू में। और इसके साथ हमारे पास आया है एक वारंटी कार्ड, जो कहना चाहूंगा कुछ ज्यादा ही छोटा दिख रहा है मुझे। ओके, इसके पीछे, ओह माय गॉडनेस, इसको पढ़ने के लिए मुझे सच्चे मैग्नीफाइंग ग्लास लगेंगे, कुछ ज्यादा ही छोटे में लिखा है इन्होंने। ओके, सो इसे भी हम रखते हैं बाजू में। और ये है उनका पाउच, आई थिंक सो थोड़ा सा बड़ा दे सकते थे। वेल, ये एक लॉक के साथ भी आया है, तो फिर जस्ट बैंग एंड लॉक हो गया आपका पाउच। ओके, सो ये है हमारे ईयरफोन्स, ये अराउंड अ मीटर लॉन्ग है। तो गाइस, वो थे बोट के ईयरफोन्स। नाउ टाइम फॉर द टिप। सो आज की टिप थोड़ी प्रोग्रामिंग रिलेटेड है, थोड़ी क्या, पूरी ही प्रोग्रामिंग रिलेटेड है। तो मेरी टिप ये है कि जब भी आप कोई भी कोड लिखते हो तो क्लीन कोड लिखो। क्लीन कोड क्या है? क्लीन कोड वो कोड है जो लाइक रैंडम वेरिएबल्स यूज नहीं कर रहे हो, बस रैंडम 1 रैंडम 2 वेरिएबल, या बस ऐसे ही बिना स्पेसेस के पूरा का पूरा कोड लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एवरी टाइम जब भी कोड लिख रहे हो, कमेंट्स लिखो, वेरिएबल्स के नाम उनके काम की तरह लिखो। फॉर एग्जाम्पल ग्रोसरीज है, तो ग्रोसरीज लिखो, रैंडम 1 रैंडम 2, ऐसे लिखने पे जब नेक्स्ट टाइम तुम उस कोड को देखोगे तब तुम्हें समझेगा नहीं। सी, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम बहुत बार सोचते हैं बस ये एक टेस्ट कोड है, हम इसको कभी देखेंगे नहीं, लेकिन बट दैट्स नॉट द ट्रूथ। तुम कितनी बार भी कोई भी कोड लिखते हो, वो कभी ना कभी लाइफ में यूज होएगा ही, ट्रस्ट मी। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैंने बस ऐसा ही कोड लिख दिया, एंड नेक्स्ट डे मुझे लगता है अरे यार मैं अच्छी तरह लिखा होता तो फिर मेरा ये 1 आवर सेव हो जाता कोड कर पढ़ते पढ़ते। सो दैट वॉज माई टिप। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं चल एक्सप्रेस डिफरेंट को।